आज का जो बैठक है इसमें जितने भी महागठबंधन के सदस्य हैं सब लोग यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं और सब लोगों में बातचीत हुई है सीट ऑफ नंबर्स को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के, और कौन से जगह से, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए और विनेबिलिटी को देखते हुए ये सारी बातें हुई हैं। शुरू में हम लोगों ने ये कहा था कि ये जो महागठबंधन है, ये जो गठबंधन है ये दिलों का गठबंधन है, ना कि दलों का गठबंधन है। और लगातार हम लोग सब लोग एकजुट होकर के जिस तरीके से मनुवादी शक्तियों से, सांप्रदायिक शक्तियों से मुकाबला करने के लिए एकजुट हुए हैं, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, बिहार के विकास के लिए, देश में शांति, अमन, चैन रहे, एक ऐसी सरकार बने जो सबों को साथ लेकर के चलने का काम करे, जो गरीब के लिए खड़ी रहे, ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने एक गठबंधन बना करके बिहार की जनता के सामने एक उदाहरण रखने का काम किया है, ऑप्शन दिया है। तेजस्वी भाई ने सारी बातें स्पष्ट की है, आप देख सकते हैं कुशवाहा जी, मांझी जी, मुकेश साहनी जी, शरद यादव जी के वहां से आए हुए प्रतिनिधि अर्जुन जी, सब हम साथ मिलके 7 घंटे सर आराम नहीं कर रहे थे, हमने एक एक सीट पे बैठ के तालमेल के साथ तय किया है। कैमरे की आंख को, प्रिंट मीडिया की पेन को कब बताना है वो भी एक स्ट्रेटेजी होती है। अगर हमारा तालमेल नहीं हुआ होता तो आपके सामने हम अभी नहीं होते। देखिए सब कुछ तय हो गया है लेकिन अभी स्ट्रेटेजिकली नहीं बताया जाएगा, इसलिए कि आपको हम बता देंगे तो आप लोग खबर पहुंचा दीजिएगा एनडीए तक, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की खबर अभी वहां तक न पहुंचे, समय पर देश और राज्य की जनता को हम बताएंगे, आपके माध्यम से बताएंगे। साथ आए थे 6 सीट की बात को लेकर, आपको 6 सीट की बात कही गई थी पहले, आज की मौजूदा हालत में अब मुझको कितनी सीट कही गई है इसकी जानकारी आपको कहां से मिल गई? आज क्या बात हुई, पहले क्या बात हुई, इसकी जानकारी जब मैंने दी नहीं और किसी पक्ष ने दी नहीं तो आपको कैसे जानकारी मिल जाएगी?